प्रदेश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री के द्वारा अपने ही विधानसभा क्षेत्र के एक गांव कैमला में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जाना था, जिसको किसानों के विरोध के चलते रद्द कर दिया गया। इसके बाद इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कुरुक्षेत्र के कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा, वे मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं कि मुख्यमंत्री आग से न खेलें। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सरकार जानबूझकर कर रही है ताकि आंदोलन कमजोर हो सके। प्रदेश की सरकार लगातार जब से किसानों का आंदोलन चला है उसे दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि किसानों की जो लड़ाई है, किसानों की जो मांग है वो केंद्र से है। वो केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो 3 बिल आपने पास किए हैं उसको रद्द कर दिया जाए। वो दिल्ली कूच कर रहे थे तब भी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तब भी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े। दिल्ली इस देश की राजधानी है, जितना अधिकार दिल्ली में बैठे लोगों का उतना देश के किसानों का भी है, परंतु इस सरकार ने हठधर्मी करी और आज जिस प्रकार से किसान पंचायत का नाम दिया गया गरौंडा के अंदर, कैमला गाँव के अंदर मुख्यमंत्री जा रहे थे, तो मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर कहता हूं कि बीजेपी की एक साजिश है कि किस प्रकार लोगों को बांटा जाए, किस प्रकार इस आंदोलन को कमजोर किया जाए। पहले उन्हें नक्सलवादी बताया गया, माओवादी बताया गया, आतंकवादी बताया गया, फिर हरियाणा और पंजाब को कैसे अलग किया जाए एसवेल का इशू उठाया गया, और अब महापंचायत के जरिए प्रशिक्षण शिविर के जरिए किसानों को बांटने का काम कर रहे हैं। मेरी फिर मुख्यमंत्री से अपील है कि आग से मत खेलो। हरियाणा प्रदेश का भाईचारा बहुत मजबूत है और इस भाईचारे को कमजोर करने के अगर प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आप इस पाप के भागीदार होंगे। हरियाणा प्रदेश ही नहीं, ये देश के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। सर, जब कुरुक्षेत्र से निर्मला धुत की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहें यस टीवी।